I'm sure कि you'll be, me and you will be on the same page. चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे क्रिसमस हो, वी सेलिब्रेट विथ एवरी कम्युनिटी. बिल्कुल वी डोंट टेक एनी साइड के ये कम्युनिटी से, ये कम्युनिटी से, ये कम्युनिटी से. हम जो है, हमारे शो की ब्यूटी यही है कि वी डोंट टेक एनी साइड एंड वी ट्राई टू प्रमोट, वी ट्राई टू टॉक, विथ जो है विथ एवरी कम्युनिटी. चाहे उनका बिल्कुल कोई इवेंट आ रहा हो, चाहे उनकी कोई कोई स्पेशल अनाउंसमेंट हो, तो बिल्कुल हम बिल्कुल ये नहीं बोलते कि ये ईद आ रही है तो हम आपका नहीं करेंगे, या तो क्रिसमस आ रहा है तो हम ये नहीं करेंगे, या नहीं, तो अपना ये मोहर्रम आ रहा है तो हम ये नहीं करेंगे. वी सही ट्राई कहा, टू, बिकॉज वी आर एज ए मीडिया, और जैसे अपना बाकी जो त्यौहार आते हैं तो अपना कोई टीवी या रेडियो स्टेशन बंद नहीं हो जाते, सही स्टिल कहा, गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन, बट वी रिस्पेक्ट एंड वी जस्ट बिल्कुल टॉक अबाउट इट. या और ने अपना, तो अभी जैसे मोहर्रम आ रहा था, हम उसके रिस्पेक्ट करके हम बॉलीवुड के गाने नहीं चलाएंगे, जी लेकिन बिल्कुल हम जो डिवोशनल है, नात है, या तो हम जो बारी ताला, वी विल प्ले दोस. या सो आज आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट. आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं सब लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि देखें, जब हमने सलाम नमस्ते चूज किया इस प्रोग्राम का नाम, तो हम ये बताना चाहते थे कि वी आर इक्वल एंड सेम फॉर ऑल द कम्युनिटीज लिविंग इन कनाडा, इन कैलगरी, Or like तो abroad, doesn't matter, yeah. एनीवेयर, या सो Anywhere, yeah. हम जो भी आप देखते हैं कि जो भी हम प्रोग्राम करते हैं वो सारी कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करते हैं, सारी कम्युनिटीज के लिए करते हैं, और हमने कभी भी नहीं ऐसे किया कि हमने किसी भी फेस्टिवल को रिस्पेक्ट ना दी हो, और जी. हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सबको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम वी आर फॉर एवरीवन, इट्स नॉट दैट वी आर ओनली फॉर वन कम्युनिटी और नॉट फॉर द अदर कम्युनिटी, तो इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जिसके दिल में भी ये ख्यालात हैं कि अगर हमने किसी के साथ ना ना इंसाफी काइंड ऑफ की हो, तो हम उससे माफी चाहते हैं, लेकिन जी हमारा जो प्रोग्राम है वो सारी कम्युनिटीज के लिए है और सबके लिए इक्वल है, चाहे वो इक्वल, किसी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, या किसी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, या किसी फिरके से ताल्लुक रखते हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और वी आर फॉर एवरी वन एंड दिस शुड यस सर, बी क्लियर टू टू एवरी वन, दिस इज वॉट वी यस, वॉन्ट टू टेल यू, या या दैट्स राइट, या दैट्स इसीलिए राइट, वेरी वेल सेड. तो जलाल, इसीलिए हम चाहते हैं कि देखें, हम लोग 14 और 15 को तो हम लोग ने टीवी, मतलब हमारा रेडियो नहीं कर सके, लेकिन हमने अभी दोनों मुल्कों के आज़ादी का जश्न मनाया, हमने 14 अगस्त का भी मनाया, हमने 15 अगस्त का भी मनाया, और जी इसी तरह हम चाहते हैं कि हम सब, कनाडा ऐसी जगह है जहाँ पे हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, और हम इससे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए कि वी आर वेरी प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, वी आर वेरी डाइवर्स पीपल, एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ, एंड वी यस, हैव बिल्कुल टू सेलिब्रेट, या तो हम ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं, एंड वी विल बी देयर फॉर एनी कम्युनिटी, लाइक वो कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, सो दैट इज आवर आवर एम, आवर मोटो, आवर गोल, कि हम सबको मिलाकर रखें, सो जी, दिस इज बिल्कुल, व्हाट वी आर, या या बिल्कुल, या और जो दूसरे क्या करते हैं, देयर इज नथिंग टू डू विद अस. वो अपनी नॉलेज से जो भी कुछ करते हैं, वी डोंट से एनीथिंग, लेकिन या हम जो करते हैं, वी जस्ट वांट टू मेक श्योर वी आर डूइंग अ राइट थिंग एट बिल्कुल जो जो हमारा प्लेटफॉर्म है. तो थैंक यू सो मच जी फॉर योर फीडबैक. तो हम जैसे बात कर रहे थे, जो कोरोना वायरस जो आप सबको पता है मार्च में शुरू हुआ था, आती है और मार्च 16 देन एवरीथिंग स्टार्ट्स टू शट डाउन. तो उसके या पहले जो है हमारे जो हमारी जो नॉर्मल लाइफ क्या थी ड्यूरिंग द या कोविड-19, और या फिर नाउ एज एवरीथिंग स्टार्ट्स टू रीओपन नाउ, तो हम या क्या चेंज देख देख सकते हैं? तो हमने 3 गेस्ट हमने बुलाए थे, जी लेकिन हमें अभी राइट नाउ वी हैव ओनली वन राइट नाउ, बट देर आर टू ऑफ देम आर कमिंग, सो दे जस्ट ओके रनिंग लेट फ्रॉम लाइक फ्रॉम देयर वर्क. तो हमारे पास अभी ओके आबिद खान है. आबिद खान हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत ही एक्टिव मेंबर है. सलाम वाह, वालेकुम आबिद भाई. आबिद वालेकुम भाई कैसे सलाम, हैं? जलाल भाई आप ठीक हैं? कैसे बस हैं ठीक, अभी? आप कैसे हैं? जी, जी मैं जी ठीक बिल्कुल हूँ बिल्कुल. सलमा जी आप कैसी हैं? ठीक है, खैरियत है, इट्स नाइस टू सी यू एटलीस्ट वर्चुअली, अगर वैसे नहीं मिल सकते तो एटलीस्ट इस तरह तो मिल सकते, ये देखो, ये आप
जलाल भाई ने अभी सवाल किया कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो आप दोनों में आ गया कि अभी आपसे कोई मिल नहीं सकता। आई विश हम आप लोगों से मिल सकते, लेकिन इंशाल्लाह सून, जब भी हमारे सर्कमस्टेंसेस और ये कोरोना इजाजत देंगे तो हम जरूर मिलेंगे। इसीलिए आज हमने प्रोग्राम रखा है कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोरोना हम सबसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आपके कोरोना की वजह से क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे, आपने इस पीरियड में, इन 5 महीनों में आपके आपने क्या सीखा? जी, कोरोना से पहले जो थी मेरी जॉब वो पार्ट टाइम थी। अच्छा। और कभी आवर जिगजैग हो रहे थे, ठीक है, तो मैं दो दो जॉब्स करता था। फिर जो मेरी नंबर वन जॉब थी, जो बैंक की जॉब थी, उसको मैं प्रायोरिटी देता था, साथ में मैं सिक्योरिटी की जॉब करता था। अच्छा। फिर जब से कोरोना शुरू हुआ है ना, तो बैंक वालों ने मुझे कहा कि तुम सारी जॉब्स छोड़ दो, तुम अभी हमारे पास रहो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बीमार हो गए, किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया, तो बैंक में लोग कम हो गए। तो अच्छा। मैंने कहा ठीक है। उस वक्त से लेके मुझे फुल टाइम आवर्स बैंक में मिलने, तो मैं एक ही जॉब करता हूँ। ये तो पॉजिटिव चेंज, एक छुट्टी भी मैंने कोरोना में नहीं की, हर रोज जाता हूँ, ओके ठीक है, गुड। तो पैसे भी ज्यादा कमाता हूँ, मतलब ये भी एक पॉजिटिव चेंज है। मैंने किसी गवर्नमेंट फंडिंग के लिए भी अप्लाई नहीं किया, मेरे एम्प्लॉयर ने काफी एक्स्ट्रा पैसे दिए पर डे के हिसाब से। दूसरा जो चेंज आया वो सोशल मीडिया में आया, कि पहले हम लोगों के पास जाते थे और वो चीज खत्म हो गई। हम लोगों ने, वो कहते हैं ना, जरूरत ईजाद की माँ है, तो हमने ऐसे तरीके सीखे कि जो कि हमारी सोशल मीडिया की जो हॉबी है उसको भी बरकरार रखे और नई नई चीजें उसमें हमने एक्सप्लोर की, ये भी अच्छी बात है। जो चेंज आया है वो ये है कि अभी हम यूं करके गले किसी से मिलते हैं या हाथ मिलाते हैं तो वो आप सामने से ही रोक देता है कि नहीं नहीं, तो नहीं, फिर नहीं। हाथ दोबारा जेब में डालना पड़ता है और हेलो। तो अभी मैंने बस ये एक शुरू कर दिया, हर किसी को मैं इस तरह करता हूँ। ये जेस्चर जो है ना, हाँ, सलाम और जो भी है वो हो जाता है। और ये जो जेस्चर है ना, ये हाथ बांधने का, ये हाँ हाँ इनके सारी में आ जाता है, इनकी सारी है, बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। तो इसमें इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ 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 जब आप हाथ जोड़ते हैं किसी के सामने, सबसे पहले आप हमें माफ कर दीजिए, सही बात है, अगर हमारे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाए। दूसरा ये कि ये नमस्ते है, विच इज अ ग्रीटिंग। तीसरा ये है कि यू नो लाइक वी आर देयर फॉर यू। और बड़ी खूबसूरत ये जेस्चर है जो आई थिंक सबने अपना लिया है, या आप जी, अपने जी. सीने पे हाथ रखकर इस तरह से कि भाई हाँ हम यार वी आर देयर फॉर यू काइंड ऑफ यू नो लाइक हमने अपने, दैट इज अनदर वे ऑफ यू नो काइंड ऑफ एक्नॉलेजिंग। सो काफी सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं। तो आपकी दो चीजें तो हमें बहुत अच्छी लगी कि आपका पॉजिटिव बहुत अच्छा रहा और आपका नेगेटिव भी आपने बता दिया। तो और क्या आपने सीखा इन 5 महीनों? हाँ, नेगेटिव जो हुआ है ना वो ये है कि मेरी दो बेटियां स्कूल जाती थी, अब वो स्कूल नहीं जाती, अच्छा, तो घर में हमारा मैदान जंग बना रहता है, ठीक है, सारा कुछ। तो एक किसी एक बात पे लड़ाई, दूसरी लड़ाई, बस ये चीजें, मेरा दिमाग इससे खराब हो गया। मैं कह रहा हूँ कब स्कूल खुले, ये बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल जाते थके होते थे, थोड़ा सा होमवर्क मिलता था, दिन गुजर जाता था। अभी बस मतलब काफी घर में, मैं अभी चाहता हूँ स्कूल खुले और ये घर स्कूल जाएं। ये सबके साथ हुआ है कि जो जो भी यंग पेरेंट्स थे उनके उनको काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप उस उन बच्चों को कितनी देर एंटरटेन कर सकते हैं, राइट? सारा दिन तो आप उनके साथ वक्त नहीं गुजार हाँ, सकते। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये थोड़ा सा यंग पेरेंट्स के लिए जरा हार्ड था। जी जी, मेरी वाइफ जो है वो तकरीबन मेरे आने तक एम्पायरिंग करती रहती है, फिर जब मैं जॉब से आ जाता हूँ फिर रात सोने तक मेरी एम्पायरिंग का नंबर होता है, तो फिर बच्चों की मुझे फिर रोल अदा करना पड़ता है कि यार किसी के साथ ज्यादती ना हो। तो बस ये हमारी मतलब ये बैड पॉइंट्स हैं, ये बैड पॉइंट्स। और कुछ बैड पॉइंट्स ये कि कुछ लोग बीमार हो गए, लेकिन जो भी हमारे जानने वाले थे वो दोबारा ठीक हो गए, लेकिन वो काफी, आप कहें कि वो काफी सीरियस सिचुएशन में जा चुके थे। लोग सब काफी सीरियस थे। हाँ 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 बिल्कुल, और शायद हमें भी हो चुका हो, हम ठीक हो गए हो, हमें तो पता ही नहीं सही है। बात है, क्योंकि हम हाँ, अगर हमारी
इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हमारे थोड़े बहुत साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जल्दी से रिकवर हो गए बनिस्बत उन लोगों के जिनकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी, और जिन जिन लोग जो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो एल्डरली हैं और जो लोग अपने आप फाइट नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखो ताकि हम दूसरों का ख्याल रख सकें। सही बात है, तो अपना ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि घर में भी अगर कोई बीमार हो जाए तो हम उसकी भी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से कर सकें। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके लिए आपको एक्सरसाइज, डाइट और आराम और थोड़ा सा अपनी अपना ख्याल रखना, तो दोज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव लर्न, के हाइजीन और डाइट और एक्सरसाइज और ये सारी चीजें कितनी इम्पोर्टेंट होती है अपने लिए। जी जी बिल्कुल जी। तो काफी चेंज आया है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिहाज से, लेकिन एक नई चीज है और ये शायद फिर हम अपनी जिंदगी में दोबारा ना देख सकें जी। और शायद ये जो मतलब ये सेंचुरी में एक दफा सुना है कि इस तरह की वबा आती है जी। तो बाकी तो जो भी चीजें होती है ना, बहुत इससे भी खतरनाक वाकयात हो जाते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं जी, गुजर जाते हैं। जिस तरह भी लबनान में धमाका हुआ, बस एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन, उसका वो खत्म हो जाता है। ये तो अब मार्च से शुरू हुआ ये कोरोना, बल्कि फरवरी से, और अभी हम अगस्त में आ गए, ठीक है। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने हो गए हम जी। अभी आप 6 महीने और बर्दाश्त करिए इसको, बर्दाश्त करिए। वैक्सीन आएगी फरवरी मार्च में, जब ट्रायल्स हो जाएंगे वैक्सीन के, तो फिर ये लोग उसको शुरू करेंगे। व्हेन दे आर 110% के दिस इज द सेफेस्ट वैक्सीन फॉर पीपल टू हैव, तो इसीलिए अब जिस तरह हमारे 6 महीने गुजरे, इंशाल्लाह 6 महीने और भी गुजर जाएंगे और उसके बाद हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। बट हमें अपना ख्याल रखना पड़ेगा ताकि हमारी वजह से किसी और को बीमारी ना लगे, और हमें एग्जाम्पल सेट करने होंगे कि सैनिटाइजिंग, मास्क एंड हैंड वॉशिंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स राइट नाउ। तो ये सारी चीजें जो अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम अपने लिए भी अच्छा रहेगा, हमें दूसरों को भी सेव करना पड़ेगा इसी तरह। दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही बात की जी। अभी तो यू नो कि आप जो है बहुत से लोगों से बात करते हैं इन अवर कम्युनिटी, बिकॉज यू आर ऑन द मेन फेसबुक पेज पर हैं, आपको काफी रिक्वेस्ट आती है, आप काफी क्वेश्चन आते हैं, फिर आप उनके जवाब बाद में उनको ढूंढ के देते हैं, विच इज वेरी नाइस ऑफ यू। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, यू नो ड्यूरिंग जो पेंडेमिक, जो आपको जो किस किस्म की रिक्वेस्ट आ रही थी, लाइक लोग काम ढूंढ रहे थे कि लोगों के पास हेल्थ के इश्यूज थे कि कोई और इश्यूज आ रहे थे? हाँ, ये पहले थोड़ा पैनिक था शुरू में, जब ये कोरोना आया पैनिक था, हर बंदा पैनिक था कि पता नहीं क्या हुआ। दूसरी जो चीज हमने देखी, अचानक ऐसी ऐसी चीजें बंद होने लगी जो कि कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, जैसे कि हॉकी के गेम्स कैंसिल हो गए, जो NHL है, ठीक है, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि NHL के गेम कभी कैंसिल होंगे, ठीक है। NHL के गेम कैंसिल हुए, स्कूल -40 में भी कैलगरी में बंद नहीं हुए, स्कूल बंद हो गए, ठीक है। उस वक्त तक तो चलो थोड़ा सा था, फिर जब एम्प्लॉयर ने निकालना शुरू किया है लोगों को जॉब से, तो तब बहुत ज्यादा ये पैनिक जो था ये शॉक में चेंज हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत ज्यादा अच्छे पैसे कमा रहे थे, मतलब 2000 तो उनको गवर्नमेंट ने सर ने दिया, लेकिन मतलब ऐसे लोग थे जो कि $6,000 वो महीने के कमाते थे, उनकी जॉब चली गई, ठीक है। तो ये काफी बड़ा शौक था और उनको अभी तक पता नहीं है कि वो हायर होंगे कि नहीं होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा शॉकिंग था इसमें ट्रेवल, सारे लोग पाकिस्तान गए हुए थे, कोई 2 हफ्ते के लिए गया हुआ था, कोई 1 महीने, उधर जाके वो फंस गया, ठीक है जी। और कुछ की आधी फैमिली पाकिस्तान में, आधी इधर, अभी आधी पाकिस्तान में फंस गई है, वो धड़ाधड़ फोन पे फोन कर रही है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं इधर फंस गया हूँ, जॉब शुरू होने वाली है इस दिन, मेरी जॉब शुरू, मैं इधर फंसा हूँ। फिर एयरलाइन कंप्लीटली कनाडा बैन कर दिया पूरे, ठीक है। तो 1 महीना तो उसमें, फिर जब उन्होंने रीओपन किया तो उस वक्त टिकट की कीमत पाकिस्तान से वन वे $3,000 थी, तो
ये काफी बड़ा शॉकिंग था। मैं ऐसी फैमिली को जानता हूं जिन्होंने $15,000 दे के टिकट लिए वन वे यहां पे आने के लिए, ठीक है। और दूसरी जो उससे बड़ी बुरी चीज हुई कि एयरलाइन में अब आप रिटर्न टिकट खरीदते हैं तो अगर आप एक साइड से नहीं जाते तो आपको पैसे रिफंड हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक पैसे रिफंड नहीं हुए। उनको कहा है कि आपको ये हम क्रेडिट दे देंगे, आप जब भी आइंदा ट्रेवल करें इतने पैसों का आपके पास क्रेडिट होगा। तो ये जो जो लोग ट्रेवलिंग में इन्वॉल्व थे ना, तो वो काफी ज्यादा परेशान हुए, बहुत ज्यादा परेशान हुए। कुछ ने टिकट खरीदे थे, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। फिर इस बीच में जिनके वालिदैन कुछ के पाकिस्तान में वफात पा गए, कुछ के किसी और कोई और रिश्तेदार वो जाना चाहता था लेकिन नहीं जा सका। तो इस किस्म की काफी ज्यादा इमोशनली मुख्तलिफ हार्ड चीजें हुई हैं। जी जी बिल्कुल सही सो कह रहे नाउ हैं। वी नाउ वी हैव रमन सबरवाल फ्रॉम द फ्यूजन बॉलीवुड। रमन जी कैसी हैं? हेलो रमन, हेलो, शी कैन नॉट हियर अस। या रमन हाय, हम बढ़िया हूँ जलाल जी, आप बताइए। सलमा जी हेलो, हेलो हेलो, कैसी? हम तो थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए कैन यू कि हियर आप मी, आए बिकॉज आई एम नॉट हियरिंग यू वेल। यू नॉट नो वी कैन हियर हियरिंग यू, अबे देन जलाल वेरी वेल, या यस आई कैन हियर यू। वी कैन हियर यू वेरी वेल। उनको आपकी आवाज नहीं आ रही जलाल भाई। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड, अच्छा दैट्स वेरी अब आ आ रही है। रही है, अब आ रही है, अब ओके आ हाँ रही है, गुड कनेक्शन अब आ सही। रही है। चलो कैसी हो थैंक यू रमन? थैंक यू। या क्या हाल कैन है रमन? यू, बिल्कुल मैंने क्या बढ़िया हाल है बिल्कुल आपका रमन बढ़िया, जी? नहीं दिस बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही है। अच्छा 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 रमन जी कैन यू हेयर मी, सो आई विल आस्क यू, सो आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। ओके कैन यू ओके हेयर मी? यस आई कैन हियर यू। ओके ओके तो रमन जी, यू नो लाइक जब भी सब अपना पेंडेमिक शुरू हुआ मार्च में, तो एंटरटेनमेंट बिजनेस इट वॉज कम्प्लीटली शट डाउन। और आपकी अपनी कंपनी है फ्यूजन बॉलीवुड, जो अपना सारी इवेंट्स मोस्टली, यू नो यू गाइज डू योर डेकोरेशन, तो आपको कितना फर्क पड़ा? जी बहुत फर्क पड़ा। मोनली जो हमारा पीक सीजन होता है वो होता है अप्रैल से लेके सितंबर तक, जी तो जी बेसिकली मार्च से लेके अगस्त तक हमारी सारी वेडिंग्स कैंसिल हो गई, जो कुछ भी बुक था, बिकॉज वेडिंग्स ऑलमोस्ट साल 1.5 साल पहले बुक हो जाती हैं, जी तो ऑल दोज इवेंट्स वर कैंसल्ड। सो अब जो छोटे मोटे इवेंट्स अब आ रहे हैं वो सब लास्ट मिनट कॉल्स हैं, बट ऑब्वियसली वी हैव लॉस्ट अबाउट यू वुड से 80 to 90% ऑफ आवर बिजनेस। ओह वाह, वाह या दैट इज हार्ड हार्ड, यस या। सो या नाउ दिस ईयर इज बेसिकली डन। आर यू गेटिंग एनी बुकिंग्स डन नाउ फॉर नेक्स्ट ईयर? या दैट इज हार्ड यस हार्ड, या। सो दिस यस वी आर गेटिंग मोर बुकिंग्स फॉर नेक्स्ट ईयर नाउ। द कंसल्टेशंस आर कमिंग इन, बट स्टिल आई थिंक कपल्स आर स्टिल वेरी कंफ्यूज्ड, बिकॉज जब तक मेडिकेशन नहीं आती इसकी तो दे डोंट नो व्हाट नेक्स्ट ईयर इज ब्रिंगिंग ईदर, सो पीपल आर नॉट टू श्योर स्टिल। You are so right. या Yeah, yeah. या But तो inshallah, आप you भी know, like the things are. बोलो बोलो. नहीं ना, गो गो शर्मा जी। No, it's okay. I was just telling Raman that hopefully the vaccines will be here in the beginning of the next year and things will get better for. यस Yeah, बोलो तो जी. रमन या जी, वी होप सो क्योंकि टू, वी होप सो टू. या तो रमन जी, यू नो सो ऑफ कोर्स यानी आपको जब बिजनेस नहीं था तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी, तो आप जो है अपना कम्युनिटी ने, यू नो वाज इट एनीथिंग फॉर यू गाइस, काइंड ऑफ यू कैन डू समथिंग टुगेदर एज ए लाइक एज ए फैमिली, एज ए कम्युनिटी, एज ए फ्रेंड सर्कल, तो आप लोगों ने किस तरह ये जो 3-4 महीने निकाले फिर? बेसिकली राइट नाउ वी बिन लिविंग ऑफ द रिजर्व्स आई गेस, सो हमारी जो सेविंग्स वगैरह थी वी बिन यूजिंग दैट। तो अब अगस्त में जब इन्होंने थोड़ा सा गैदरिंग्स अलाउ किए हैं अप टू 100 पीपल, तो तब से थोड़ा सा बिजनेस दोबारा स्टार्ट हुआ है, गुड गुड बट इट्स स्टिल नॉट व्हाट इट वुड हैव बीन, बट
हाँ, सो दैट एंड देन सम एड फ्रॉम द गवर्नमेंट हैव हेल्प्ड बिकॉज़ वी वर कंप्लीटली शट डाउन, सो उससे थोड़ी हेल्प हुई है. और या और जो बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड, मी और माय हस्बैंड दे वी बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड, सो हमें तो फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड के कारण वी आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर ईआईज और एनीथिंग लाइक दैट, सो हमें गवर्नमेंट हेल्प लेनी पड़ी है इस टाइम पे. Good stuff. No, of course. Of course, that this was hard for some families. It was really, really hard. Like your business, I can understand. Like even my daughter, who's an event coordinator for medical conferences, she also lost everything. Her like she didn't have any job क्योंकि वो कोई conferences हो ही नहीं रही थी. और इसीलिए I can understand because उसके पास भी कोई जॉब नहीं थी. शी हैड टू गो इनटू दिस हेल्प, यू नो. तो काफी लोगों को परेशानी, स्पेशली जिनके अपने बिजनेस. या यू आर राइट. जी. तो अभी तो आप या जो भी नो यानी नो के एंड आई थिंक यू नो फिर भी कहते हैं. आई एम सॉरी. नो नो गो यस, अहेड. गो अहेड, गो अहेड, बोलिए. मैंने ऑल आई वांटेड टू से इज भी हम सब इसमें एक इकट्ठे हैं. आई मीन ऑब्वियसली फिर भी मैं कह फिर भी गॉड की ब्लेसिंग है कि वी आर मेकिंग थ्रू दिस सच अ बिग एपिडेमिक, यू नो. हमें गवर्नमेंट हेल्प मिल रही है. वी आर स्टिल लकी. देयर इज लॉट ऑफ कंट्रीज लैक इन दैट काइंड ऑफ अ हेल्प, राइट. एंड पीपल सही, ओवर देयर हैव सफर्ड अ लॉट. सो आई थिंक वी आर वेरी लकी टू बी इन कैनेडा. बिल्कुल सही बात कह रही है. बिल्कुल. जी. तो आबिद भाई लाइक जो आबिद भाई वेन यू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, फिर आप, मैंने देखा कि आप जो है कॉस्को भी जा रहे थे, वहां से लाभ कह रहे थे कि जब भी जो है टॉयलेट टॉयलेट रिश्यू जो है टिश्यू रोल के जब भी अपने प्रॉब्लम्स हो रहे थे, आप जो भी सुपर स्टोर अपने जाते हैं मास्क आए, तो आप यू आर डूइंग सो मेनी सर्विसेज फॉर लॉट ऑफ पीपल. तो आपको जो है कम्युनिटी से कैसे आपको अपना अपना जो फीडबैक आ रही थी कि अपना एज ए कम्युनिटी आर वी डूइंग ए गुड जॉब, लाइक आर वी डूइंग ओके. Oh yeah. Like the good thing about the community is they follow whatever government ने बताया कि इस तरह करें. अभी आपने नहीं जाना, आपने पार्टियां नहीं करनी, तो सारी पार्टियां कैंसिल हो गई, बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई. आपने 10 10 लोगों के उसमें नहीं जाना, तो फिर उन्होंने मास्क रूल किया, सबने मास्क पहने हुए, ठीक है. तो द कम्युनिटी फॉलोड एवरीथिंग वेरी वेरी स्ट्रिक्टली. ये बहुत अच्छी बात मैंने देखी. कहीं पर मैंने नहीं देखा कि कम्युनिटी ने इस चीज को लाइट लिया हो किसी तरीके से भी. तो अभी थोड़ा हमें दिखाई देना शुरू हुआ है. मैं और जलाल भाई अभी तकरीबन 4 महीने के बाद मिले, ठीक है. तो 4 महीने हम नहीं मिले, इसका मतलब है कि कम्युनिटी ने इस पे अमल दरामद किया है, वरना हम तो हर हफ्ते मिलते थे, ठीक है. हर हफ्ते नहीं, दो हफ्ते में तो हम जरूर मिलते थे. तो आप सोचें, अगर आपको याद हो, कोरोना जब बिल्कुल शुरू हो रहा था, तो एक इवेंट डॉक्टर अब्दुल रहमान कर रहे थे, ठीक है, बुशरा आ रही थी, एक इवेंट कर रहे थे बुरहान खान भाई, ठीक है, जिसमें आ रहे थे सज्जाद अली आ रहे थे. ये दोनों बहुत बड़े इवेंट्स थे. हम लोग, आप महीनों तो नहीं, कई हफ्तों से हम वेट कर रहे थे इसके लिए, ठीक है. लोगों ने टिकट लिए हुए थे, एक्साइटमेंट थी, और बिल्कुल उधर पहुंच के उन्होंने इवेंट को कैंसिल कर दिया, ठीक है. तो ये मतलब उनको शायद फाइनेंशियल लॉस भी हुआ होगा. ये तो इस तरह नहीं है कि आप बुकिंग करते हैं या नहीं हुआ होगा, बट इमोशनली इट वॉज वेरी हार्ड डिसीजन कि इवेंट को आप कैंसिल करें. तो दैट वाज अ प्रूफ कि भाई कि हम चाहते हैं कि हम जो रूल हो गवर्नमेंट का, हम उसको फॉलो करें. एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, वी आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. अगर मुल्क पे मुश्किल हालत आती है, तो हमारी कम्युनिटी पर भी मुश्किल सिचुएशन आती है. बट द गुड थिंग इज कि गवर्नमेंट ने हेल्प की. अब जिस तरह ये रमन कह रही है कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने बिजनेस की भी हेल्प की, सेल्फ एम्प्लॉयड की भी हेल्प की, जो लोग जॉब करते थे उनकी भी हेल्प की. So सही, that we are lucky that we are living in such a country. बिल्कुल Yeah, सही no कह doubt. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. क्योंकि अगर गवर्नमेंट हेल्प ना करती तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होते हैं. आई नो देयर वाज एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन दैट इज अंडरस्टूड कि क्यों हुआ. क्योंकि हाँ. या बिल्कुल अंडरस्टूड है. लेकिन आई होपफुली हम ये चाहते हैं कि आफ्टर थिंग्स गेट नॉर्मल, पीपल हैव सम पेशेंस एंड पीपल थिंक अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू डू, यू नो. लाइक अगर ये सारी चीजें इंसान थोड़ी सी ध्यान में रखे तो
थिंग्स कैन गेट बेटर, लेकिन हम उन सिचुएशन में नहीं है जिस हालात से कुछ लोग गुजरे हैं, जैसे कि आपने बताया कि काफी लोग बहुत बहुत खराब हालात से गुजरे। हाँ, आप देखे, आपके शहर में सैलाब आया था कुछ दिन पहले, ठीक है, कराची में, और उसमें गाड़ियां यूं करके स्किड हो रही थी सैलाब में, वो बह रही थी। वहां पे गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं है, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस चले गए, जॉब्स चले गए, कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं है, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन के उन लोगों की क्या सिचुएशन होगी, ठीक है, आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती किसी तरीके से, तो आप क्या करेंगे, वेयर विल यू गो। बिल्कुल सही। तो रमन, आपने नेगेटिव बताया कि आपके जॉब चले गई एंड यू वर सर्वाइविंग ऑन द हेल्प एंड द रिजर्व व्हाट यू हैड, लेकिन ये बताओ कि पॉजिटिव क्या चीज हुई तुम्हारी लाइफ में इससे? पॉजिटिव ये हुई कि ये समझ लो कि रोज की भाग दौड़ वो सब कुछ थम गया। दिस बीन अ फर्स्ट समर इन लास्ट 13 years जहां पे मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता पाई हूँ। वाह, क्या बात कही है। या बिकॉज समर हमारा हमेशा बिजी होता है, वही सारा काम ही समर में होता है, तो ना बच्चों को टाइम दे पाते हैं, ना हम कहीं जा पाते हैं, कुछ वक्त चल जा तो अभी नहीं पाया, अभी घर में लॉक हुए हैं, बट फिर भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हुआ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हुआ, राइट, ताकि हमें दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अस मोर क्लोजर। सो मुझे लग रहा है कि मेरी फैमिली की जो बॉन्ड है ना वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं अब। सही बात, बिकॉज यू रियली रियलाइज द वैल्यू ऑफ हैविंग ईच अदर, यू नो। सही बात। तो रमन, अभी स्कूल खुल रही है September 1st से, तो अपना बच्चे जाएंगे स्कूल और फिर जाज भी स्कूल जाएगा, तो अभी कैसा फील होगा तुम्हें अभी? अभी मैं अपने बच्चों को ऑनलाइन स्कूल भेजूंगी, आई एम नॉट रेडी टू सेंड देम इन क्लासेस राइट नाउ, क्योंकि अभी भी मुझे थोड़ा डर है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स हैं वो भी सीनियर सिटीजन हैं, राइट, तो मैं नहीं चाहती कि वहां जाकर दे आर एक्सपोज टू दिस एंड दे ब्रिंग समथिंग होम, सो जस्ट टू नॉट टू स्प्रेड दिस फर्दर, मैं बच्चों को ऑनलाइन स्कूलिंग करवा रही हूँ, एंड वी विल वेट टिल जनवरी एंड सी हाउ थिंग्स हैपन, देन वी माइट गो इन क्लास। या बहुत सारे लोग हैं जो एप्रिहेंसिव हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि सबकी यही थिंकिंग है कि बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो वो इन्फेक्शन घर ला सकते हैं और और अपने एक्सटेंडेड फैमिली को या अपने पेरेंट्स को वो इन्फेक्शन दे सकते हैं, तो काफी लोग सोच रहे हैं कि चाहे वो एक हफ्ता, दो हफ्ते, एक महीना, शायद शुरू में वो बच्चों को ना भेजे, इन अ वे इट विल बी बेटर, क्योंकि फिर क्लास साइज थोड़ी छोटी होगी, छोटी होगी, हाँ, तो फिर ऑटोमेटिकली स्प्रेड होगा, लेकिन हार्ड होगा ये सबके लिए, बिकॉज नाउ 5 महीने जब से बच्चे घर में थे, जैसे कि आबिद बता रहे थे, उनके यहाँ तो जंग का मैदान था। जी जी बिल्कुल, जंग का मैदान लगा रहता है और बहुत ज्यादा शोर होता है, आप जब भी मेरी कोई वीडियो देखेंगे उसमें आपको बच्चे की रोने की आवाज आएगी, तो ये पहले जो था इस तरह की पोजीशन में गया, मैं भी परवाह नहीं करता, ये भी यादगार रहेगी आपको। मैं बच्चों को क्यों भेजना चाहता हूँ, एक तो नंबर वन रीजन ये है, दूसरा ये कि उनकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। मुझे पता है बच्चों को ये कोविड इतना सीरियस नहीं होता, होता ही नहीं है, बट अगर वो इम्यूनिटी बन जाएगी, उनकी जो मेंटल और सोशल लाइफ है वो काफी डिस्टर्ब हो गई। अब स्कूल के बच्चे की सोशल लाइफ स्कूल में होती है, ठीक है, या फैमिली लाइफ होती है स्कूल में, तो वो खुद भी कह रहे हैं कि वी आर मिसिंग आवर स्कूल्स, ठीक है। तीसरा ये है, जो ऑनलाइन लेसन्स हुए थे उसमें तो मैं आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि वो क्या मतलब, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा वो लर्निंग, वो जो स्कूल में लर्निंग थी दैट वाज रियल लर्निंग, ठीक है, और दैट वाज वेरी फास्ट। सो और दूसरी बात ये है कि स्कूल में पूरे इंतजाम किए हुए हैं, ठीक है, जितने हम घर में इंतजाम करते हैं, मेरे ख्याल में स्कूल में उन्होंने काफी ज्यादा सीरियसली इस बात को लिया और वो पूरा प्रोटेक्ट करेंगे हमारे बच्चों को। बिल्कुल, उनकी कोशिश। तो दैट्स व्हाट आई थिंक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट माई किड्स शुड गो टू स्कूल और वो अपनी लाइफ दोबारा शुरू करें,
उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग थी वो आए खत्म हो रही है, वो तो सारा दिन गेम्स खेलते रहते तो हाँ स्कूल में उनपे थोड़ा प्रेशर होता है कि भाई यू हैव टू डू दिस आई हैव टू गो टुमारो माय टीचर विल आस्क मी, तो फिर वो थोड़ा सा वो गैरत में भी आके थोड़ा पढ़ लेते हैं. अच्छा तो रमन जी यू नो कि नाउ ऑफ कोर्स यू नो व्हाट आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं सारे गाइडलाइन के अंदर रखे जो आपका जो 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 भी ऑर्डर आ रहे आप कर रहे हैं, तो अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना आपको तो दे विल बी सिक्योर कि आपका सब जो आपका जो अरेंजमेंट होगा so they will be happy you know if you want to say few things about it. Hello Raman, I'm sorry, I can you repeat the question, I never get it, sorry. No you know ki abhi aap jo abhi aapko jo bhi yani agar to agar kisi ko contact karna ho for any decoration in the house anywhere to well I'm sure ki you guys are working like under like jo hai all the guidelines from the Alberta healthcare. तो आप लोग जो है किस तरह आपका जो है डिलीवरी वगैरह करते हैं जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज सेफ. सो बेसिकली अभी जो ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं वो आउटडोर्स हो रहे हैं, इंडोर्स इतने नहीं हो रहे हैं. तो आउटडोर का कही है कि वो दैट इज एक्चुअली आल्सो सेफर फॉर माय स्टाफ टू. और जब हम वहां पे इंस्टॉल करते हैं सो वी रिक्वेस्ट आवर कस्टमर्स दैट नोबडी इज शुड बी देयर बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट exposed to something that we don't want, right? And then after we've done our decor and then they take down at night, so in either way mice don't come in contact with anyone, so and we have to properly sanitize our stuff that we're using, so just in case if it's getting touched by people so it's not bringing something back to our warehouse. Good very well yeah, I think everybody has to follow those kind of guidelines. और जितनी आप ज्यादा फॉलो करेंगे इट विल बी सेफर फॉर यू दैट यू डोंट टेक एनी इन्फेक्शन होम टू योर फैमिली. एंड इसी तरीके से लोग चीजें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती जाएंगी बिकॉज काम तो करना है और इफ यू डू इट प्रॉपरली विद गाइडलाइंस तो इट इज बेटर फॉर एवरीवन. तो रमन जी आपको जल्दी जाना था, आई नो, सो थैंक यू सो सो मच फॉर आपका एक टाइम. सो इफ यू वांट you can yes. thank you. Say hi to Jazz. Thank you so much for being okay, with us. Thank you. Bye. Bye-bye. 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 Thank you. Welcome. So ye thi ji Raman Sabharwal from the Fusion Bollywood. So abhi jo hai abhi jaise aise se jo hai Canada jo you know it starts to reopen now. Duniya aise se khul rahi hai. लेकिन वो अभी भी जो लोग बात करें सेकंड वेव की बात करें कि फॉल में सेकंड वेव आएगी और अपना यू नो एज अ डॉक्टर सलमा जी सो इट्स अ फ्लू सीजन टिपिकल फ्लू सीजन कमिंग एज वेल. तो क्या होगा मेरे ख्याल में सेकंड वेव नहीं होगी और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये असल में यूं ग्राफ गया ऊपर और अब ये यूं करके नीचे आ रहा है. ठीक है तो ये शायद यूं करके थोड़ा सा फिर यूं हो जाए लेकिन ये फिर अल्टीमेटली नीचे ही जाएगा. जिस मेरे मतलब मैं कोई वो नहीं हूं ना नजूमी हूं ना मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट हूं लेकिन मेरे ख्याल में ये उस पीक पे दोबारा नहीं जाएगा जहां पर हम कुछ अरसे पहले थे और मेरे ख्याल में ये कम ही होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होगा. जिस तरह सलमा जी ने कहा कि शायद 6 महीने में और भी लग जाए जिसमें मतलब अगले मार्च तक ये सारा कुछ शायद ठीक हो जाए लेकिन इसका जो फुल इम्पैक्ट है ना जो हमारे जहन पे ये चीज छाई हुई है शायद उसको कुछ साल लगे कि हम किसी से गले मिले हाथ लगाए किसी चीज को टच करें. ये तो अभी हमारे दिमाग में आ गई कि इसको टच ना करो यहाँ पर मत जाओ. अभी तो हम कोई चीज चेक ही नहीं कर सकते दुकान में बस जिसको हाथ लगाया उसको पकड़ के नीचे डालो. तो अच्छा है ना जैसे इस आप हाथ नहीं लगाएंगे आप ज्यादा चीजें नहीं खरीदेंगे तो आपके लिए भी अच्छा आपकी जेब. हाँ बिल्कुल पहले वो दस्ताने लेके हम फिरते वो लगाते थे हाथ बहुत ज्यादा फिर अब हमने वो भी छोड़ दिया जी. तो अच्छी हैबिट्स हैं कुछ हमने सीखा बाहर फजूल ना जाओ. ठीक है बहुत पैसे भी हमारे बच गए गाड़ियों में कम जाना हुआ बहुत सारी पार्टीज के
फजूल में हम बहुत सारी चीजों में पैसे जाया करते थे, पैसे जाया कर रहे थे जी। हाँ, तो वो पैसे भी हमारे जाया नहीं हो रहे। कभी इधर जाके पार्टी कर ली, 50 लोगों को बुला दिया, कभी उधर जाके पार्टी कर ली, 50 लोगों को बुला दिया, वो सारे पैसे भी बच गए। पेट्रोल का खर्चा भी हमारा नहीं होता, सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, जॉब पे होते हैं, जॉब से आके घर पे बस आप लोगों को देखते रहते हैं फेसबुक पे। बहुत सारी अच्छी चीजें भी सीखी हमने कोरोना से। मैं आपको कहूंगी एक सवाल जलाल से पूछना चाह रही थी। No, she won't be able to. She's got some technical difficulties. Okay. तो मैं ये कह रही थी कि आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कोरोना से कुछ अच्छी बातें सीखी और सबसे पहले मैंने सीखा कि पेशेंस। यस। इसलिए कि हमने हमें सबर थोड़ा सा करना चाहिए कि जो हम लोग हर वक्त भागे रहते थे कि अरे ये चीज भी लानी है, वो चीज भी लानी है, लेकिन हमें इतनी ज्यादा चीजों की जरूरत है नहीं जितना हम समझते थे। और हम सरवाइव कर रहे हैं 5 महीने से, हम शॉपिंग नहीं जा रहे हैं, हम जरूरियात की ग्रोसरीज लेते हैं, फिर हम अल्लाह ताला को ज्यादा याद करते हैं, हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा है, हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं, बैठ के सोचते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। मुझे ये लग रहा है कि मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे अब लगता है कि मैं क्यों हर चीज फजूल करूं, कि अगर मुझे वो करने की जरूरत है नहीं। मैं 5 महीने से जो नहीं कर रही थी कोई फर्क तो नहीं पड़ा जी। तो मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा और मैंने बहुत अच्छी बातें भी सीखी। जाहिरी बात है कि उन लोगों के लिए दुआएं भी बहुत करी जो जिनका पता चला कि उनको इन्फेक्शन हो गया है, बीमार हो गए, उनके लिए बहुत दुआएं भी मांगी, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, हम सिवाय दुआओं के तो और कुछ कर नहीं सकते इतनी दूर बैठ के। लेकिन हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस किया करते थे, लेकिन अब फोन उठा के उनसे बात करते हैं, फेस टाइम करते हैं, उनको ज्यादा देखते हैं, उनसे उनके जाकर उनके दरवाजे के आगे हम खाना भी रखते हैं, जो हम ये चीजें पहले कभी भी नहीं करते थे। तो काफी सारी अच्छी चीजें भी सीखी हमने। जी जी, क्या कहते हैं आप बाबू नाबिद भाई? यू नो हम दोनों ने ये सीखा है कि हम स्ट्रीम यार्ड आगे यूज करने के लिए क्या करने क्या स्ट्रीम यार्ड हम स्ट्रीम यार्ड यूज करने आ गया शुरू हो गया। हाँ हाँ, अब मिलना बंद हो गया। मैंने YouTube पे सर्च किए, Google पे सर्च किए, दो चीजें मैंने देखी कि एक Zoom और एक StreamYard। तो Zoom थोड़ा मुश्किल था, StreamYard आसान था, बस मैंने वो शुरू कर दिया, आपने भी शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने भी शुरू कर दिया। तो ये एक पूरा एक आप कहें कि एक इनकलाब सा आप इसको कह सकते हैं, हर जगह पे ये चेंज होगी। और आप अगर देखें जलाल भाई, अगर आप अपने बचपन में जाएं, सलमा जी आप भी अपने बचपन में जाएं, तो हम बहुत थोड़ी सी महदूद वसाइल में जिंदगी गुजारते थे, ठीक है। हमारे घर में एक बड़ा टीवी होता था, इतना मोटा, ठीक है, और उसमें भी ऊपर वो एंटीना हम ठीक कर रहे होते थे, चैनल हाँ कहते चैनल चेंज मत करो टीवी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो खाना हम खाते थे, बस मस्जिद जाके नमाज पढ़ के, ये बस हमारी एक लाइफ थी। सही बात। अभी तो क्या क्या चीजें लाइफ में आ गई हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकती। गाड़ी, मोबाइल, सेलफोन, इस मोबाइल पे हम कितने पैसे खर्च करते हैं आप सोचें, ठीक है। इसके बगैर भी हमारी जिंदगी गुजर रही थी, बहुत अच्छी गुजर रही थी, बहुत अच्छी गुजर, बहुत सिंपलिसिटी थी लाइफ में। हाँ हाँ, ये जो माशाल्लाह पहले तो सिर्फ खवातीन मेकअप किया करती थी, हम लोग तो कभी सोच भी नहीं मर्द भी कभी मेकअप करेगा, ठीक है। अब ऐसा जमाना, ये आम बात है, मतलब अगर आप अभी किसी को कहेंगे यार मैं मेकअप के लिए जा रहा हूँ, तो आप अगर कहेंगे अच्छा, तो वो आपके ऊपर हंसेगा, ऐसी बात हो गई है। तो मतलब ये है ना, जिंदगी बहुत चेंज हो गई है। आप जिंदगी में बहुत सारे ऐसी चीजों पे पैसे खर्च करते हैं जो कि आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप खर्च करते हैं, आप अपने घर को महल बनाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा घर लेने की कोशिश करते हैं, महल बनाते हैं और उसमें खूबसूरत खूबसूरत चीजें लगाते हैं। पहले इस तरह नहीं थी, पहले अगर आप जाएं, लाइफ बड़ी सिंपल थी, कपड़े भी कोई हम एक दूसरे के देखते ही नहीं थे कि इसने क्या पहना हुआ है,
या इसके पास कौन सी गाड़ी है या कौन सा फोन है या ये कौन से कपड़े पहनती है, इस तरह की सोच नहीं थी हमारी। सही बात कह रहे हैं, अभी सारा कुछ चेंज हो गया। मैं हैरान हूं कि आज से 20 साल के बाद क्या होगा, या क्या होगा, या 20 साल के बाद क्या होगा, कौन सी नई नई चीजें आ चुकी होंगी जिसपे लोग लाखों डॉलर खर्च कर रहे होंगे फजूल में। तो पहले लोग किताबें पढ़ते थे, ठीक है, जो भी किताब हो, कहानियों की हो, अखबार हो, जो भी हो, वो पढ़ते थे शौक से। अभी तो कोई किताब पढ़ता नहीं है, गेम्स खेलते हैं बच्चे सारा दिन और हम लोग स्ट्रीम यार्ड के सामने बैठे रहते हैं। चलो आबिद भाई, जाते जाते आखिरी मैसेज क्या देंगे आप? बस मैं यही मैसेज दूंगा जलाल भाई कि आप लोग अभी भी एहतियात करें, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, और बहुत ज्यादा ख्याल करें। खुदा ना खास्ता जिंदगी आपकी हस्ती मुस्कुराती जिंदगी को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपनी जिंदगी से प्यार करें, उसको आपके लिए जरूरी नहीं है शायद, लेकिन आपकी वजह से, आपके, अभी हमने देखा हमारी कम्युनिटी के 3 लोग पानी में डूब गए एडमिट, ठीक है। आप मुझे बताएं, उन बच्चों को आप दुनिया की हर चीज लेके दे दें, उनके लिए लाखों डॉलर चंदा इकट्ठा कर ले, उनको बहुत, वो जो चीज मुंह से कहें उनको लाके दे दें, लेकिन क्या वो माँ बाप की वो जो कमी है उसको पूरा कर सकती है? आप सोच भी नहीं सकते। नहीं सकते। तो आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास गाड़ी अच्छी नहीं है, आपके पास फोन अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आप जिंदा हैं, आपके बच्चे ठीक हैं, बस आप खुदा का शुक्र अदा करें और अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारें, ठीक है, खुशी से। थैंक यू सो मच। नहीं, आपने बहुत ही जाते जाते बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और हम यही सबको भी यही कहना चाहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप मोहब्बत से रहें, सिंपलिसिटी से रहें, लोगों की हेल्प करें, और सारी चीजें काम नहीं आने वाली हैं। ये काम आने वाली क्या, आपके लिए कोई आपके जाने के बाद आपको अच्छे से याद करे और आपके लिए अच्छी बात बोले, वो सब। बिल्कुल जी। साबित भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, विल सी यू सून समवेयर इंशाल्लाह। चला, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।